हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कभी कभी मॉर्निंग में क्या होता है कि बहुत कुछ बनाने का मन नहीं करता, तो हम ऐसी रेसिपी ढूंढते हैं जो जल्दी से बन जाए और बच्चे खा लें। तो आज की रेसिपी कुछ ऐसी ही है, बिल्कुल झटपट से बनके तैयार होगी और आप इसे बहुत सारी सब्जियों के साथ हेल्दी भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक मिक्सर का जार, उसमें आपको डालना है सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं, तो आपको एक कटोरी जितना आप डाल दीजिए। आप इसको बिना मतलब मिक्सर के भी बना सकते हैं, पर मैं इस तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। और इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच जितना कर्ड, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। तो जैसे हम इडली का बैटर बनाते हैं, बस उसी तरीके से बनाना है हमें। तो ये मैं बैटर बना रही हूँ। तो यहाँ हम बना रहे हैं आज उत्तपम इंस्टेंट वाले। तो अगर आप मिक्सर में इस तरह से डाल के बनाते हैं ना, तो उत्तपम काफ़ी लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छा सा एक पेस्ट या बैटर बोल सकते हैं, बन के रेडी हो गया है। अगर आप इसे बिना ग्राइंड किए सूजी के बनाते हैं तो थोड़े से कड़क हो जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से पेस्ट करके बनाएंगे तो आपके जो उत्तपम है वो काफ़ी लंबे टाइम तक टिफ़िन में सॉफ्ट रहेंगे और बच्चों को खाने में भी आसानी रहेगी। और यहाँ मैं थोड़ी सी प्याज को कट कर रही हूँ, तो मैं आज अनियन वाले उत्तपम बना रही हूँ। आप इसमें बीटरूट डाल सकते हैं, आप इसमें कैप्सिकम, कैबेज, जो भी चाहें सब्जियाँ डाल सकते हैं, टमाटर डाल के बना सकते हैं, पर अनियन उत्तपम मेरे बेटे को पसंद है तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और आज थोड़ा सा धनिया पत्ती भी मैंने कट कर ली है। और अब हम बैटर में ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, जैसे कि उत्तपम जो है काफ़ी फ्लफी बनके तैयार होंगे। आप इसकी जगह बेकिंग सोडा या इनो फ्रूट सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर बनके रेडी हो गया है, लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे तो आप इसमें बेकिंग पाउडर को स्किप करें। आपको लेना एक तवा और इसमें आप बटर डालें। आप इस रेसिपी को बिना घी या तेल के ही बना सकते हैं डायरेक्ट तवे पर डाल के, लेकिन मैं बटर से बना रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे इस तरह से। तो यह मैंने बैटर को डाल दिया है और छोटे छोटे से मैं बना रही हूँ, जिससे टिफ़िन में रखने में भी आसानी रहेगी। और ये देखिए, दूसरा भी मैंने छोटा सा उत्तपम डाल दिया है। और जब उत्तपम वेट रहे, इसी स्टेज पर हम इसमें वेजिटेबल भी लगा रही, जिससे कि काफ़ी अच्छे से वो चिपक जाए उत्तपम पर। तो यहाँ मैं अनियन के जो लच्छे हमने बनाए थे वो लगा दूँगी। तो आप इसकी जगह टमाटर वगैरह, जैसे कि मैंने बोला काफ़ी सारी सब्जियाँ लगा के आप इसको इनोवेटिव और सुंदर भी बना सकते हैं, टेस्ट में तो अच्छा बनेगा ही। और ये मैंने दूसरे वाले उत्तपम पे भी अनियन लगा दी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ती भी इस तरह से लगा दूँगी। दिखने में इस तरह से काफ़ी सुंदर लगते हैं उत्तपम। और ये देखिए, धनिया पत्ती भी लगी है। आप इसमें हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं, पर मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। और इस पर मैं थोड़ा सा सांभर मसाला ज़रूर डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा एनहेंस हो जाता है। और थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स डाल दी हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसा पसंद करें वैसा डाल दें। और बस इसको हम दोनों साइड पलट कर अच्छे से कुक कर लेंगे। और थोड़ा सा बटर मैं अभी और भी लगाऊंगी इसमें, तो ये थोड़ा सा बटर लेके मैं ऊपर से लगा दूंगी। तो बटर के टेस्ट के कारण जो उत्तपम ही काफ़ी टेस्टी लगते हैं। मेरा बेटा तो जब मैंने टिफ़िन बनाया तो पूरा फिनिश करके आया था, तो आपके बच्चों को भी पसंद आएगा, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। और दोनों से पलटते हुए मैंने अच्छा सा सेक लेंगे। तो चीज़ी, बटरी, ऐसी चीज़ें तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ जो उत्तपम है हमारे बढ़िया से सेक के तैयार हो गए हैं, और इसे हम टिफ़िन में सर्व करेंगे। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो आप इसको किसी भी तरह की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारे जो उत्तपम है बन के रेडी हुए हैं। सबसे पहले मैं टिफ़िन में लगाऊंगी टिश्यू पेपर, और ये दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितने सॉफ्ट हमारे जो उत्तपम है बन के तैयार हुए, देखिए। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे ही सॉफ्ट रहने वाले हैं, तो बच्चे ना बहुत आसानी से खा पाएंगे। और इसके साथ मैंने बनाई है नारियल की चटनी, तो ये काफ़ी हेल्दी है क्योंकि मैंने इसमें कच्चा नारियल डाला है, दही डाला है, मूँगफली डाली है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके, लेकिन अगर आपके बच्चे सॉस पसंद करें तो वो भी दे सकते हैं। और यहाँ मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। और भी टिफ़िन रेसिपीज़ और आइडियाज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो, लाइक एंड शेयर फॉर मोर। बाय बाय।